हेलो गाइस, वेलकम टू आर एग्जाम बी, दिस इज़ हिमानी। सो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो CWC है, तो CWC के लिए स्पेसिफिक कुछ वीडियोस हम लेकर आए हैं, तो स्ट्रैटेजी आप लोगों ने जान ली। साथ ही अमित सर ने आपको कंप्लीट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वीडियोस पूरी स्ट्रैटेजी बताई थी। साथ ही उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। सोनल मैम ने आपसे कुछ बॉटनी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम टारगेट करेंगे किसको, जूलॉजी में जो आपका इंसेक्ट है, और एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में भी जो आपका क्या है, इंसेक्ट वाला पार्ट है, यानी एंटोमोलॉजी को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, देखिए, विद रिस्पेक्ट टू IPM थ्रेशोल्ड लेवल मीन्स, ठीक है, तो थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है, जब भी हम क्या बात करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, जोड़ना। चाहे आप किसको बोले, INM की बात करें, INM का मतलब भी क्या होता है कि आप न्यूट्रेंट को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। कौन से न्यूट्रेंट होते हैं, वो केमिकल हो या फिर आपके बायोलॉजिकल हो, ठीक है। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, IPM की बात करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी मैथड्स होते हैं, कौन से मैथड हो गए, चाहे आपके फिजिकल हो गए, कल्चरल हो गए, केमिकल हो गए, बायोलॉजिकल हो गए, हम सबको एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। क्यों कंबाइन करते हैं, ताकि हम इनसे की पॉपुलेशन को मैनेज कर पाएं, ये हमारा एम होता है, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि इसमें थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दो चीज़ें होती है इसमें, एक होता है ETL, एक होता है EIL, है ना। तो ETL का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड लेवल मतलब क्या है कि अगर आपकी इनसे की पॉपुलेशन इस लेवल तक है, तो अभी तक आपकी जो पॉपुलेशन थी वो अंडर कंट्रोल थी, ठीक है, तो आपको ऐसा जितना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बियॉन्ड इसके अगर पॉपुलेशन जाएगी, तो अब आपको क्या लेने पड़ेंगे, अब आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसकी बियॉन्ड अगर पॉपुलेशन जाएगी, तो वो आपको इकोनॉमिक डैमेज कॉज करेगी, ठीक है। EIL की बात करेंगे, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन जो आपको क्या करती है, डैमेज कॉज करती है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल कहते हैं, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है डैमेज बाउंड्री, वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि DB क्या होता है, ठीक है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द लेवल ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन एट विच वन शुड कंट्रोल द पेस्ट टू प्रिवेंट द अनएक्सेप्टेबल इंजरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने एक्शन नहीं लिया, तो अब आपको क्या फेस करनी पड़ेगी, इंजरी फेस करनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज IPM, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं द पेस्ट डेंसिटी एट विच द कंट्रोल मेजर शुड बी अप्लाइड और प्रिवेंटेड, ताकि आपकी जो इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन है, उसको आप कंट्रोल कर सकें, ठीक है। EIL की बात करेंगे, तो द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द पेस्ट दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल भी कहते हैं, डैमेज बाउंड्री अलग कंसेप्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राइस ग्रासी स्टंट डिजीज, या फिर रैग्ड स्टंट डिजीज का जो वेक्टर होता है, वेक्टर क्या करता है, डिजीज को ट्रांसमिट करता है। कौन सी डिजीज है, ग्रासी स्टंट डिजीज है, तो वो कौन सा आपका वेक्टर होता है, ठीक है। राइस स्टेम बोरर, इसको क्या कहा जाता है, सरकोफागा इंसर्चुलस। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको बताया है कि जो सरकोफागा इंसर्चुलस होता है, इसका डैमेज एक्शन किस तरह से होता है, ये कॉज करता है वाइट हेयर्स और डेड हार्ट्स, है ना। तो डेड हार्ट्स का मतलब क्या होता है, जो आपका सेंट्रल शूट होता है वो पूरा ड्राई हो जाता है, उसको आप इजीली अपरूट कर सकते हैं। वाइट हेयर का मतलब क्या होता है, जो उसके पैनिकल्स होते हैं वो फिल नहीं होते हैं, ठीक है, वो ड्राई हो जाते हैं और आपको पूरे वाइट नज़र आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वाइट हेयर्स कहते हैं। कॉटन बॉल वॉर्म, यानी कि अगर आपसे बात की गई है पिंक बॉल वॉर्म की, तो वो क्या हो गया, पेक्टिनोफोरा गॉसिपियला, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउन प्लांट हॉपर, ओके। सो दैट इज ट्रांसमिटेड बाय ब्राउन प्लांट हॉपर, और ब्राउन प्लांट हॉपर को क्या कहा जाता है, नीला पर्वता ल्यूजेंस कहा जाता है, ठीक है। और इसका सिम्टम क्या होता है, हॉपर बर्न। हॉपर बर्न यानी आपको जो पूरा फील्ड होगा, फील्ड पूरा झुलसा हुआ नजर आएगा, ठीक है, पूरा बर्नट अपेयरेंस आपको नजर आएगी, तो वो किसका सिम्टम होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर का होता है। तो ये दो बहुत मेजर पेस्ट होते हैं, किस केस में, आपके राइस के केस में, ठीक है। आगे चलते हैं, लोकस्ट, लोकस्ट की बात की गई है, तो टिड्डी की यहाँ पर बात की गई है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में, काफ़ी टाइम बहुत फेमस रही है आपकी टिड्डी, है ना। तो लोकस आर द शॉर्ट हॉर्न ग्रासोपर्स विद हाईली माइग्रेटरी हैबिट, मार्क्ड पॉलीमॉर्फिज्म एंड वोरेशियस फीडिंग बिहेवियर। तो इसका जो वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर लोकेटेड है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिड्डी चेतावनी संगठन, जो कहाँ पर लोकेटेड है, जोधपुर में लोकेटेड है ना। तो ये कहाँ पर है,
लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, राजस्थान के जोधपुर में है, ठीक है। एग मार्क पूछा जाएगा तो कहाँ पर है, फरीदाबाद में है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग, और इसको क्या कहा जाता है, देखिए जो सिस्टोसर का ग्रिगेरिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डेजर्ट लोकस कहते हैं, उसको डेजिग्नेटेड है वो इंटरनेशनल पेस्ट। अब आपसे पूछा गया है नेशनल पेस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुरमुला है ना, तो ये क्या हो गया आपका, इसको हम कहते हैं डेजर्ट लोकस्ट, क्या कहा जाता है, सॉरी इसको क्या कहा जाता है, वाइट ग्रब कहा जाता है, ठीक है। कुरमुला, सफ़ेद कुरमुला से हम कहते हैं, तो इसको ये डेजिग्नेटेड है एज नेशनल पेस्ट, जिसको हम कहते हैं वाइट ग्रब, ओके। डेजर्ट लोकस को हम क्या कहते हैं, सिस्टोसरका ग्रिगेरिया, और इसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल पेस्ट, क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल पेस्ट, ओके। तो अगर आप देखेंगे ये एक साथ आते हैं और लाखों का नुकसान करके चले जाते हैं, है ना। बाकी आप ये देख सकते हैं कॉटन बॉलवॉर्म, पिंक बॉलवॉर्म, ये सारे आपके क्या हैं, कॉटन के पेस्ट हैं ना। चलिए टर्माइट का ऑर्डर क्या होता है, आइसोप्टेरा, ओके। तो ये भी नोट कर लीजिए, टर्माइट कौन से ऑर्डर को बिलोंग करती है, वो होता है आपका आइसोप्टेरा, ओके। अब आपके पास कहाँ से क्वेश्चन है, इंसेक्टिसाइड से। इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, यानी अब आपकी पेस्ट को क्या होगा, पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमको कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। उन केमिकल को कहा जाता है इंसेक्टिसाइड। अब उनमें कुछ लेवल लगे होते हैं, ओके। आपसे पूछा गया है मॉडरेटली टॉक्सिक, तो आपको ध्यान रखना है रेड क्या होगा, हाईली टॉक्सिक होगी, या फिर एक्सट्रीमली टॉक्सिक आप इसे कहते हैं, ओके। ग्रीन देखेंगे तो ग्रीन कहीं पर भी क्या होता है, सेफर जोन को इंडिकेट करते हैं, यानी ये होगा स्लाइटली टॉक्सिक। तो आप किस तरह से याद कर सकते हैं, येलो और ब्लू बच गया, तो येलो क्या होगा, हाईली टॉक्सिक, और मॉडरेटली होगा आपका ब्लू, ओके। तो क्या हो जाएगा आंसर, ब्लू, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ब्लू, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि तिरंगे के रंग होंगे, रेड को केसरिया मान लो, है ना, और ये जो ग्रीन है, ग्रीन नहीं होगा, सफ़ेद होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, और बीच वाला क्या हो जाएगा, ब्लू। ब्लू किस में क्या हो जाएगा, मॉडरेटली टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। तो ब्राइट ग्रीन नहीं होगा, ब्राइट ब्लू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप देख सकते हैं LD50 क्या होती है, दैट इज़ लीथल डोज 50, है ना। तो इसकी डोज पर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट है एरिस्टेट टाइप ऑफ एंटीना। अब जो एंटीना होता है वो कौन सा ऑर्गन होता है, वो होता है आपका सेंसरी ऑर्गन। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आप सभी को पता है कि जो इंसेक की बॉडी होती है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है ना, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन है। तो हेड में क्या होता है, आपके एंटीना प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है, एंटीना टाइप किस में, एरिस्टेट टाइप किस में होते हैं, एरिस्टेट टाइप ये होते हैं आपके हाउस फ्लाई में। किस में होते हैं, हाउस फ्लाई में होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एरिस्टेट टाइप किस में होते हैं, हाउस फ्लाई में होते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं, और जो आपका माउथ पार्ट होता है ना वो, और आपके क्या होते हैं, माउथ पार्ट हो गया, एंटीना हो गया, और आईज हो गई, ये तीनों कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPM से क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है पैरासिटॉइड प्रीडेटर का आप इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, कौन से मेथड के अंडर आता है, ये होता है आपका बायोलॉजिकल मेथड। ऑब्वियसली केमिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएंगे, इंसेक्टिसाइड जो आएंगे वो आपके केमिकल मेथड में आएंगे। अब आपसे क्या पूछा गया है, बायोलॉजिकल मेथड पूछा गया है ना। तो आप देखेंगे कि जो आपका पैरासिटॉइड होता है वो बेसिकली किस तरह से एक्ट करता है, मान लीजिए आपकी एक वैस्प है ना, और ये आपका बोरर है और आपकी वैस्प है। अब क्या करेंगे, जो वैस्प होगी वो पूरी लड़ाई करेगी इससे। तो ये लड़ाई करेगी क्यों, क्योंकि इसका ये एग लेइंग कहाँ पर करती है, इसकी बॉडी के अंदर करती है। क्या ये बोलेगा कि तू आ मेरी बॉडी के अंदर एग लेइंग कर ले, नहीं ना, पहले उसको फाइट करना पड़ेगा। तो वो इस इंसेक्ट के साथ फाइट करेगी। अब फाइट में समहाउ जीत जाती है और इसकी बॉडी के अंदर क्या कर लेती है, एग लेइंग कर लेती है। अब आपको पता है कि एग किसमें डेवलप होगा, बड़े आपके जो एडल्ट होंगे, एडल्ट जब डेवलप हो जाएंगे तो वो यहाँ इसकी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएंगे। अब इसकी बॉडी से बाहर रिलीज हो गए तो इसी पर फीड करेंगे या फिर इसी के जैसे जो और बोरर्स हैं उन पर अटैक करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पैरासिटॉइड एक्शन, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, हम पैरासिटॉइड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको आंसर दिख गया है पर फिर भी हम देख लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पूछा गया क्वेश्चन है, गोल्डन ट्रेजर ऑफ असम किसको कहते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए सेरीकल्चर क्या होता है ना। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है, जब आप रॉ सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, सिल्क वॉर्म से। अब आपसे पूछा गया असम में, आप सभी को पता है जो मेजर सिल्क वॉर्म स्पीशीज होती है कौन सी होती है, बॉम्बिक्स मॉरी, है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, मलबरी सिल्क कहते हैं।
मूंगा सिल्क के बारे में आपसे पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन ट्रेजर ऑफ असम किसको कहा जाता है? मूंगा सिल्क को कहा जाता है, ठीक है। यूनिक गोल्डन कलर्ड सिल्क होता है, जब कहाँ मिलता है? असम में मिलता है, ओके। बाकी एरी सिल्क किस पर रेयर किया जाता है? जो आपका कैस्टर ट्री होता है, कैस्टर है ना, तो उसको एरी या एरेंडी सिल्क कहा जाता है। मलबरी सिल्क की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? मलबरी ट्री यानी मोर सलवा पर इसे ग्रो किया जाता है। ये हो गया आपका ओक टसर, ठीक है, टसर सिल्क। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर? इनमें से लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा ऑर्डर होता है आपका कॉलियोप्टेरा। कॉलियोप्टेरा में क्या आती हैं आपकी? बीटल्स एंड वीविल्स आती हैं, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट क्या होता है? लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में क्या आता है? आपकी मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आती हैं। डिप्टेरा यानी आपकी फ्लाइज एंड मॉस्किटो आएंगी, ठीक। अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो आपकी व्हाइट फ्लाई होती है ना, बिमीसिया टबैकी, उसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताना कि बिमीसिया टबैकी का ऑर्डर क्या होता है। ज़ोरोप्टेरा अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर कौन सा होता है, तो दैट इज़ ज़ोरोप्टेरा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, सीसीआई का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर आपसे पूछा था। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? अनार बटरफ्लाई का नाम, यही कहीं छुपा है आपका अनार बटरफ्लाई का नाम, ठीक है। आपसे पूछा गया है बनाना एफिड, तो बनाना एफिड कौन सा होता है? कॉस्मोपोलिटिया सॉर्डिसस, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी? बनाना वेविल होगी, ठीक। पेंटोलूनिया निग्रोनर्वोसा, ये हो गया आपका बनाना एफिड। वायरोकोला आइसोक्रेट्स, ये हो गया आपका अनार बटरफ्लाई। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन मत देखिए। अब आप सिर्फ पीडीएफ देखेंगे ना, तो आपको सिर्फ ये आंसर मिलेगा, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारे ऑप्शन पता चलेंगे, ठीक है। इसीलिए सब कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और जहाँ जहाँ टिक कर सकते हैं वहाँ वहाँ लिखते जाइएगा, ओके। प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला डीबीएम, डीबीएम किसका मेजर पेस्ट होता है? क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी फैमिली में क्या आते हैं? जितनी भी आपकी कोल क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, कैबेज, कॉलीफ्लावर हो गई, ठीक। तो ये सारी आपकी कौन सी फैमिली को बिलोंग करती हैं? क्रूसीफेरी को। और दूसरा नाम क्या होता है इसका? ब्रैसिकेसी, ठीक। तो डीबीएम इसका मेजर पेस्ट होता है। डायमंड बैक मॉथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया था? तो देखिए आपका एक एक्ट होता है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, जिसको हम कहते हैं डीपा। कब आया था? 1914 में, 1914 में। इंसेक्टिसाइड एक्ट पूछा गया है 1968 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर टू विच सिल्क वॉर्म बिलोंग्स। अब इसमें आपको दो चीज़ें दी गई हैं। लास्ट ईयर अगर आपने एफसीआई का एग्जाम देखा होगा तो उसके मेन से पूछा गया क्वेश्चन था कि इनसे कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं। कौन से को बिलोंग करते हैं? ऑर्थोफोडा। क्लास कौन सी होती है? इंसेक्टा, है ना। अब आपसे पूछा गया है कि कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा हाइमेनोप्टेरा, यानी आपकी जो हनी भी होती है वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करती है? हाइमेनोप्टेरा। लास्ट अभी हमने पीछे कुछ क्वेश्चंस में देखा कि आइसोप्टेरा किसका ऑर्डर होता है? टर्माइट्स का। किसका होता है? टर्माइट्स का, ठीक। ऑर्थोप्टेरा में आपके क्या आते हैं? जो आपका ग्रासोपर होता है, क्रिकेट्स होते हैं, वो किस में आते हैं? ऑर्थोप्टेरा यानी स्ट्रेट विंग्स। लेपिडोप्टेरा में आपका क्या आता है? सिल्क वॉर्म, ठीक। तो क्या आता है? सिल्क वॉर्म यानी बॉम्बेक्स मोरी किस में आता है? लेपिडोप्टेरा में आते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा टकार्डिया लैका, वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, तो उसको कहा जाता है ट्रूबग। अब ऑप्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, सॉरी, कि ट्रूबग कौन से ऑर्डर में आता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। द लीडिंग कंट्री इन द सिल्क प्रोडक्शन इज, तो अगर आपने सिल्क वॉर्म की कहानी सुनी होगी तो उसमें क्या था कि जो प्रिंसेस लीजू थी वो क्या कर रही थी? मलबरी ट्री के नीचे चाय पी रही थी। चाय पीते हुए उन्हें दिखा दिया क्या कि कोई कीड़ा उनके चाय में गिरा है। जब कीड़े को निकाला तो देखा कि इससे बहुत अच्छे थ्रेड्स निकल रहे हैं। अब पूरी टीम को लगा दिया, पूरी टीम ने जब उस थ्रेड्स को निकाला तो पता चला कि ये क्या है? सिल्क है। तो छुपा के रखा। बाद में बहुत टाइम बाद जब कोई उनसे वहाँ घूमने गया चाइना में, तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, इतने शाइनी क्लोथ्स हैं, ये किससे बने हैं? तब पता चला कि ये सिल्क होता है, ठीक है। तो उनको ये जो चाइना था इसको काफ़ी पहले पता चल गया था और इन्होंने ये टेक्निक जो है सिल्क प्रोडक्शन की छुपा के रखी, ओके। तो लीडिंग कंट्री कौन सा है? चाइना। अब सेकंड लीडिंग कंट्री कौन सा है कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ किलिंग द सिल्क वॉर्म। तो ये भी आपका सिल्क वॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि आप मार देते हैं सिल्क वॉर्म को, ओके, विदाउट डैमेजिंग द कुकून इटसेल्फ, ओके। तो आपने क्या करना है कि जो आपका प्यूपा होगा, प्यूपा को किल कर लेते हैं। अब आप सभी को पता है कि जो सिल्क बनता है वो किस तरह से बनता है ना। तो जो लार्वा होता है वो क्या करता है? मलबरी लीफ पर फीड करता है। उसके बाद वो अपने बाहर क्या कर लेता है? कुछ प्रोटेक्टिव थ्रेड्स बना लेता है। उनको हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं।
अब अगर आपका क्या है, जो प्यूपा है उसके अंदर रहते हैं ना, अब अगर वो बड़ा होगा तो वो क्या करेगा, कट करके बाहर आ जाएगा, उन थ्रेड्स को कट करके। वही तो हमको चाहिए, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उसका सिल्क चुरा रहे हैं, हमको वही तो चाहिए। अगर वो कट हो जाएंगे तो हमको अच्छा थ्रेड नहीं मिलेगा, अच्छा थ्रेड नहीं मिलेगा तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस स्टेज पर इंटरफेयर करते हैं और क्या करते हैं, उसको किल कर लेते हैं। या तो हम उसको हॉट वाटर में या स्टीम में किल करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्टीफलिंग। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है स्टीफलिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें, तीनों सिल्कवॉर्म से रिलेटेड है, तीनों मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार IBPS एफओ में आया था डीगमिंग, नहीं रीलिंग आया था। ठीक है, तो रीलिंग का मतलब क्या होता है कि आप अनवाइंड करते हैं जब सिल्क फिलामेंट्स को, तो उसको कहा जाता है रीलिंग। डीगमिंग का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, सेरेसिन प्रोटीन होता है। जब सेरेसिन प्रोटीन को रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है डीगमिंग। क्या कहा जाता है, डीगमिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्या होती है, स्टिकलिंग प्रोसेस होती है, जिसमें उनको हॉट वाटर में किल कर दिया जाता है। अब इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको जो वीडियो है वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।